सभी भोजपुरिया दर्शकों मेरा प्रणाम है। रत्नेश बाणवाल आपका कॉमेडी एक्टर, अभी मैं यहाँ पर शूटिंग करने आया हूँ बॉम्बे में बसरा स्टूडियो में फिल्म मई जबड़े लड़की चाहे। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा फिल्म ससुराल, जिसमें प्रदीप पार पांडे चिंटू और मैं भी साथ में था। फिर साथ में जोड़ी हम लोग लेकर आ रहे इस फिल्म में, जिस कारण मई जबड़े लड़की चाहे। देखिए मैं तो नहीं जानता हूँ, हर हीरो मेरे हर फिल्म भोजपुरी फिल्म के जितने बड़े हीरो हैं सबके साथ मैंने काम किया है, और दिनेश भैया के साथ, मिराज भट्ट के साथ, पवन जी के साथ, चिंटू साथ मेरा बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। हर फिल्म में एक चॉकलेटी हीरो जैसा लगता है, मैं भी अपने आप को चॉकलेटी कॉमेडी समझता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ काम। आपने सोचा कि मैं आप खुद हीरो बन सकते हैं? नहीं, मेरा काम हीरो रहे, मेरा एक्टिंग हीरो रहे, हीरो बन के मुझे नहीं आना है बस। अच्छा, इस फिल्म के निर्माता हैं नरेश प्रजापति जी और डायरेक्टर हैं अजय कुमार झा, जिन्होंने इससे पहले बहुत सी बड़ी फिल्में बनाई हैं। मैं उनके साथ पहली बार दूसरी बार फिल्म का कर रहा हूँ मैं। किस तरह के जो किरदार आप बता रहे हैं, कॉमेडी है? मेरा इसमें किरदार है, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा है। मैं एक बिहार से गुजरात शहर में आया हूँ काम करने के लिए, जहाँ हम लोग तमाम दोस्त भाई मजदूर काम करते हैं। उसमें एक हीरो को एक गुजराती लड़की से प्यार हो जाता है, जिसमें बाद में उसके साथ धोखा होता है, फिर यही सब मैटर है उसको अपनाने में बस। मेरे साथ इस फिल्म में हीरो के साथ प्रदीप पांडे चिन्नू के साथ हीरोइन प्रीति ध्यानी, मेरे बड़े भैया सुपर कॉमेडी स्टार प्रकाश जैस भैया हैं, मंटुलर भैया हैं, अपना क्या बोलते हैं मास्टर जी हैं, अपना महेश हजारिया जी, बीरू झा जी हैं, बबलू खान मैं हूँ आपका, और सुशील जी भैया हैं, प्रेम दुबे, बहुत से कलाकार मिलेंगे। बिहार में कहाँ के रहने वाले, और जब आप गाँव जाते हैं तो कैसा लगता है गाँव में आपको? मैं बिहार के मैं चंपारण जिला नरकटियागंज से हूँ, वहाँ जब भी मैं जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि जिसके साथ मैं जिस गांव में गली में खेला पड़ा बढ़ा, आज उसमें वहीं के लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं। कभी आपने सोचा था कि मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊँगा? मैं स्टार्ट नहीं सोचा, बस इतना जो जाना मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बन रहूँगा। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, भगवान की वजह से अच्छा चल रहा है। मेरे घर में माँ तो नहीं है, पापा हैं, भाई, मेरी दो बेटी है, हाँ बीवी है, सब बच्चे हैं। मेरी बेटी 20 साल से पढ़ने स्कूल भी जा रही है, बहुत खुश हूँ। फिल्म के डायरेक्टर अजय जी के बारे में क्या राय है? अजय कुमार झा जी हम चॉकलेटी झकास डायरेक्टर हैं, मतलब जितना सोचा है उससे कई गुना उनके अंदर कुट कुट के डायरेक्ट भरी हुई है। उनके साथ दूसरी फिल्म, उसके पहले उनके साथ किया था फिल्म शादी करके फंस गया यार में, और इसमें लंबा रोल दिए मुझे, फिर हो सकता है कि अगली बार में। आप हाइट में छोटा है, लंबा रोल कैसे मिल गया आपको? देखिए मैं स्कर्ट से छोटा हूँ, काम मुझे लंबा मिला, काम को मैं अपना काम मानता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। स्वागत है, क्या चल रहा है बताइए? प्रणाम आदाब मेरे मालिक मेरे दोस्त, आज हमने के या भोजपुरी फिल्म माई रे हमरा उहे लड़की चाही के शूट पे आज बनी जा, और बतावे के चाहे वे फिल्म के बारे में कि बड़ा ही मस्त छकास, बड़ी मनोरंजक, एकदम उमंग पैदा कर दे वाला ये फिल्म बा, जेके युवा सफल डायरेक्टर आदरणीय बड़े भाई अजय कुमार झा जी डायरेक्ट करता है। कमाल के बात ये बा कि युवा सुपर स्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी, जेकरा के प्यार से आप सब हम सब चिंटू बाबा कहने जा, वो एकर नायक बड़े। जाहिर सी बात बा कि जब वो नायक बड़े तो फिल्म के ऊंचाई का हो सकेला आप सब समझते नहीं। कॉमेडी कितना करना टफ है आपके लिए? देखिए कॉमेडी करना कहने का मतलब ये है कि सबसे महंगी हंसी बिकती है, यकीन न हो मेरे मालिक मेरे दोस्त तो जाके टेलीविजन चैनलों से पूछ लीजिए। और हंसी जब महंगी बिकती है तो जाहिर सी बात है कि ये काम भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पूरे दावे के साथ कहता हूँ मेरे मालिक मेरे दोस्त कि आपके प्यार दुआ का असर इतना मुझ पे ज़्यादा है कि ये करने में मुझे बहुत मज़ा है, और यदि आपका आशीर्वाद प्यार दुआएं मेरे साथ रहीं तो निश्चित रूप से हमारी बस एक ही इच्छा है कि आखिरी दम तक हम आपको गुदगुदाते रहें, हंसाते रहें, ये हमारी इच्छा है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है कि साहब कॉमेडी करना कितनी चुनौतीपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत दमदार है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है,
क्योंकि जब तक कोई चीज हृदय को छू न जाए, हृदय में गुदगुदी न पैदा कर दे, होठों पे हंसी आती ही नहीं है, ये मेरा दावा है और मैं समझता हूँ कि ये बात भी सच्ची है। तो होठों पे हंसी लाने के लिए दिल को गुदगुदाना होता है और दिल गुदगुदाने के लिए मेरे मालिक मेरे दोस्त कुछ तो करना ही पड़ता है। और आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना है? इस फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने मजे हुए कलाकारों से ये फिल्म सज रही है, जिसमें बता दिया मैंने कि भाई सुपरस्टार, युवा सुपरस्टार प्रदीप पांडे, चिंटू बाबा और खलनायकी में जिनके बड़ी एक अच्छी इमेज है, सब लोग उनको बड़े आदर सम्मान के साथ देखते हैं, वो हैं सुशील सिंह जी हैं, प्रेम दुबे जी हैं, हीरोइन प्रीति ध्यानी जी हैं, बाकी जो हम मित्रों का एक मंडली है, 6-7 मित्रों का मंडली है, उसमें भी अभी आपने सुना बर्नवाल जी को, हमारे प्रकाश जैस जी हैं, महेश आचार्य जी हैं, अपना रवि भूषण है, बबलू है, इस तरह से 6-7 दोस्तों की एक मंडली है। और ये ऐसे दोस्त हैं जो हमारे यूपी बिहार के लोग कैसे किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए और किन किन चीज़ों से, किन किन समस्याओं से उनका सामना होता है, इन सब चीज़ों को बड़े बखूबी से इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मुझे लगता है कि इस मूवी को देखने के बाद हमारे तमाम जो दर्शक बंधु हैं, हमारे भगवान दर्शक हैं, उनको लगेगा कि एकदम ये हमारे साथ गुजर रहा है, इस तरह से इस फिल्म का निर्माण। जहाँ तक डायरेक्टर के बारे में कहना चाहूँगा कि युवा सफल, युवा तो हैं ही और सफल भी हैं, तो युवा सफल निर्देशक हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई अजय कुमार झा जी, और निश्चित रूप से उनके निर्देशन में काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब सुर और ताल की मिलन हो जाए तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन लय की निर्माण होता है। और बॉर्डर बहुत लड़ाई छिड़ गया है इंडिया पाकिस्तान में जी, क्या राय आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो कई वर्षों से ये लोग बहुत परेशान करते हैं, और हम भारतवासी जो हैं वो बड़े अपने धैर्य का परिचय देते चले आ रहे हैं, क्योंकि सहनशीलता और हमने जो धैर्य बना के रखा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को, जो हमारे बॉर्डर पे सेना जो हमें चैन की नींद देते हैं, उनको सबको कहना चाहूँगा कि इम्तहान इतना मत लो कि सब कुछ आदमी खो जाए, क्योंकि जब आदमी सब कुछ खो देगा तो फिर वो वार पार की बातें समझ में आती हैं। इसलिए इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो, और नहीं समझोगे तो समझ लोगे। किसी को इतना मत डराओ, किसी को इतना मत सताओ कि उसके अंदर से सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए। अगर ये सलाहियत खत्म हो जाएगी तो हम रहे ना रहे, लेकिन एक बात तय है कि तुम नहीं रहोगे। आपको मौका दिया जाए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, निश्चित रूप से जाऊंगा और आखिरी दम तक भारत माता की जय, भारत माता की जय, और हर हाल में भारत माता की जय। सर, बात करें आज जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसमें जज की भूमिका में मैं हूँ, और मुझे लगता है मैं शायद पहली बार कोई जज की भूमिका कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारी भोजपुरी फिल्में, जो हमारी भाषा भी हैं, जिस तरह से प्रदर्शित हो रही हैं, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री साबित होने वाली है।
और फिल्म के जो आज शूटिंग चल रहा है क्या कहना चाहिए, किस तरह शूटिंग चल रही है? अभी तो ये कोर्ट का सीन है, अभी हमारी शूटिंग शुरू होने वाली है। बहुत चीज़ें हमको कुछ उतना पता भी नहीं है फिल्म के बारे में, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो मेरी भूमिका है वो जज की भूमिका है और मैं अपनी भूमिका निभाने आया हूं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए, हाँ जय झाजी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और काफ़ी नाम सुना है, लेकिन शायद मेरी आज उनसे पहली बार उनके साथ में काम करूँगा, लेकिन नाम बहुत सुना है जय झाजी का। एक एंटायर स्टोरी के बारे में अगर बताना चाहे दर्शकों से तो क्या कहेंगे, क्या चीज़ को जानकर लोग आए इस मूवी को देखने? एक तो साफ सुथरी मूवी है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि पहले भी मैंने कहा था कि हम तो इसे टेलीविज़न सबसे ज़्यादा करते हैं, भोजपुरी थोड़ा कम ही करते हैं, और मैंने जब करते भी हैं भोजपुरी तो स्पष्ट पूछ लेते हैं कि क्या हमारी माएँ बहनें इस फिल्म को देख सकती हैं, तो मुझे पता चला कि काफ़ी साफ सुथरी फिल्म है और ऐसे ही फिल्म को की समाज को ज़रूरत है, और अगर हम ऐसे ही साफ सुथरी फिल्म अजय झा जी के माध्यम से देते रहें तो आने वाला दिन में वो दूर नहीं है जब हमारे जो दर्शक हैं वो क्रीमी लेयर भी के हो जाएंगे। फिल्म के हीरो हीरोइन की बात की जाए तो क्या कहना? चिंटू तो अभी गजब ढा ही रहा है और आगे भी गजब ढाएगा, हीरो हीरोइन भी लाजवाब है, फिल्म का स्क्रिप्ट भी लाजवाब है, और जो राइटर है वो तो अपने आप में लाजवाब है, और आप लोग भी लाजवाब हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आप अपने बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो दर्शकों को प्रीति ध्यानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। मैं प्रीति ध्यानी, आज हम मायरे हमरा के उही लेकी चाय के सेट पे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बस आप पूछिए, आप इस फिल्म में आपका किरदार क्या है और आपके हीरो हैं? जी मैं इसमें एज ए लीड काम कर रही हूँ, मेरे साथ चिंटू जी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। वैसे तो हम गुजरात में एक शेड्यूल करके आए, ये सेकंड शेड्यूल है हमारा बॉम्बे में, बॉम्बे में करने के बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, एक्साइटमेंट हो रही है। बस इसके पहले भी चिंटू जी के साथ एक फिल्म में आप कर चुकी जो कि अभी हालिया रिलीज हुई है? हाँ जी, इससे पहले हम ससुराल मैंने मूवी की है, उसमें एक सॉन्ग किया है, सो आपने देखा होगा, बहुत अच्छा सॉन्ग था, उसमें भी हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और इसमें भी आपको उससे अच्छी केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी। बस आशा करती हूँ जैसे आप उन्हें अपना प्यार आशीर्वाद दुलार देते हो चिंटू जी को, वैसे ही मुझे भी दीजिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे डायरेक्टर है अजय जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे हैं, और प्रोड्यूसर है नरेश जी, तो बस उन्हें यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस मूवी में काम करने का मौका दिया है, भरोसा रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आने वाली फिल्मों की बात करें तो आने वाली तो अभी लाइनअप कर रही हूँ स्क्रिप्ट, अभी फ़िलहाल तो मैंने फाइनल नहीं की है। वैसे मैं मॉडलिंग करती हूँ, एज अ हिंदी इंडस्ट्री में मॉडलिंग करती हूँ, तो बस मॉडलिंग मेरी चालू है। थैंक यू। आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, आपके राइटिंग में एक और फिल्म का शूटिंग हो रहा है, क्या कहना चाहिए? क्या कहें, बहुत खुशी होला जब हमार लिखी फिल्म सक्सेस होला, हिट होला, लोग पसंद करेला, तारीफ करेला, तो इस फिल्म के भी बहुत ज़्यादा तारीफ मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, ये चीज़ की बहुत खुशी होला। चीज़ है फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो हीरोइन की बात हो जाएगी, फिल्म के डायरेक्टर बनी अजय कुमार झा जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा डायरेक्टर बनी वहाँ के, और वहाँ के भोजपुरी के तो बहुत फिल्म डायरेक्शन के लिए बनी, बहुत सारा हिट भी रहा बा, लेकिन ये फिल्म में बहुत ही ज़्यादा वहाँ के मेहनत करते हैं, और इस फिल्म में हीरो बड़ा प्रदीप पांडे चिंटू जी से आजकल लगभग उनके हर फिल्म हमें लिखा था नहीं, और उनके बहुत लोग पसंद भी करता लोग, और उनके हर फिल्म लगभग सब सुपर डुपर हिट ही जाता, तो हम उनका खातिर दुआ करता नहीं, प्रार्थना करता नहीं कि आगे भी उनके हर फिल्म सुपर डुपर हिट ही रहे। जिसे फिल्म का नाम बहुत थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बा, क्या कहा चाहें? जी फिल्म के नाम में मायरे हमरा उहे लेके चाहें, और बड़ा नाम नहीं थे, आप लोग के बड़ा नाम लगा था, लेकिन भोजपुरी ठेठ नाम है, और भोजपुरिया हर लोग मतलब हर केव बोले लो, हमियो बोले नहीं, हमियो लेकर रहनी, हमियो गांव में रहनी, तो कोनो भी चीज़ होला तो ऐसे ही गांव में बोले नहीं, मायरे तनी खाना ले आ दे, मायरे है कर दे, तो वह तरह फिल्म के टाइटल बा, हीरो जी अपन जो हीरो बड़ाने में अपना माई से मतलब विनती करते हैं, मायरे हमारे वही लेके चाहें, तो बहुत ही अच्छा नाम बा,
और इतना भी मतलब विश्वास बा कि फिल्म बहुत ही अच्छा लोग के लगे। आपकी हर मूवी हिट हो रही है, इसके क्या कारण है, मतलब क्या सोच के लिख रहे हैं? जल क्या सोच के नहीं, लोग लोग के बारे में सोच के लिखे नहीं, ताकि लोग के अच्छा लगे और वे लोग खातिर फिल्म बनेला, वे लोग खातिर लिखे नहीं हम, वे लोग खातिर मेहनत करें नहीं, तो ये कारण हो सकेला या हो कि हर फिल्म मतलब आजकल हिट जाता है। आपकी जोड़ी चिंटू जी के साथ बहुत मतलब हिट हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सदियों से चलते आ रहा बा कि केहू ना केहू के साथ जोड़ी बनबे करेला, केहू ना केहू के जोड़ी हिट होला, तो वह तरह कमियों के जोड़ी चल रहा बा और रउआ लोग भी दुआ करे, रउआ लोग भी हमें दुआ दी ताकि ये तरह हमेशा चलत रहे। नहीं आप बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हुए, तो क्या फील होता है आपको इस स्टेज पर आकर? हम पहले का इंसान नहीं थी जो स्ट्रगल करके इतना आगे बनी, हर के भी स्ट्रगल के बाद मेहनत के बाद ही मतलब आगे आवेला, और स्ट्रगल के बाद जब सफलता मिलेला तो सीधी सी बात बा सीना तो 56 इंच का रही जाला। चलिए दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शक लोग के हम कहल चाहते हैं कि जौना तरह हमारे हर फिल्म के रउआ लोग प्यार आशीर्वाद देवे ने, वही तरह इस फिल्म के और हमारे आए वाला हर फिल्म के रउआ लोग आशीर्वाद देते रही और सुपर डुपर हिट बनावत रही, ताकि हम जितना मेहनत करें नहीं वो से भी ज़्यादा हमेशा मेहनत करत रही और लोग के एक से एक बढ़ के फिल्म सुपर डुपर सिल्वर जुबली फिल्म लोग के देते रही। ओके थैंक यू। ससुराल अभी इन दिनों में जितनी पिक्चर आई बहुत अच्छी गई है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है। चिंटू मेरा भतीजा है और पिक्चर का नाम माई रे माई वही लड़की चाहिए और पिक्चर अच्छी बन रही है और प्रोड्यूसर को चिंटू को ढेर सारी सबको जितने भी यूनिट है मैं सबको शुभकामनाएँ देते देना चाहता हूँ। पिक्चर अच्छी बन रही है और पिक्चर अच्छी चलेगी। आज आप लोकेशन पे आए हैं, कोई खास होगा? नहीं नहीं ऐसे आया था चिंटू को मिलने, उसकी ससुराल अच्छी जा रही है, बोला चलो हाँ मिल के आ जाए, बधाई देते हैं, बधाई देने के लिए बोला चलो। और आपके डिस्ट्रीब्यूशन में और कौन कौन फिल्में रिलीज होने जा रही हैं? अभी धड़कन है, धड़कन के बाद सिपाही है, एक हिंदुस्तानी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है 11 अगस्त को जो हमने खुद बनाया, उसके बाद मैं सेहरा बांध के आऊँगा वो भी मैं खुद ही बनाया वो रिलीज है। अभी लाइन से ही पिक्चर हैं सबने, बॉम्बे में हम ही लोग करते हैं जितनी पिक्चर 99%। आपको चाय पीते हुए कैसा लग रहा है? मुझे चाय पीते हुए अच्छा लग रहा है। रख दो वहाँ, रख दो, हो गया तो निकाल लो ये। अरे बारिश आ गया भाई, तो एक कोर्ट का सीन चल रहा है, फिल्म का नाम है माई रे हमरा उहे लड़की चाहिए। ये जो फिल्म है अंजलि क्रिएशंस मूवी के तरफ, अंजलि क्रिएशंस की तरफ से है। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं नरेश प्रजापति जी, राधेश्याम गुप्ता जी। तो हम लोगों ने मतलब पहले सोचा था कि हम लोग कोर्ट करेंगे गुजरात में ही, बट अच्छा नहीं मिला तो अच्छे कोर्ट के लिए बॉम्बे में कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको चिंटू जी हैं, मैंने बहुत अच्छी न्यू एक्ट्रेस हैं, आपको क्या नाम है नेहा निधि, सॉरी उनका नाम प्रीति ध्यानी करके है जो न्यू है, ज़्यादा फिल्म तो नहीं किए बट बहुत कमाल के एक्ट्रेस हैं वो। फिर प्रीति सिंह जी भी हैं, सुशील सिंह जी हैं, अयास खान हैं हमारे, मतलब अभी आज फूल सिंह जी को देख रहे हैं आप, हाँ तो काफ़ी लोग हैं। फिल्म क्या हमने गुजरात में शूट किया, फिर बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, हाँ लगभग पूरी शूटिंग हो चुकी है क्या? लगभग 85% शूट हो चुकी है फिल्म पहले। और यहाँ पे क्या था कि हम लोग गुजरात में करने के रीज़न था, पहला कि एक गुजराती प्लेटफॉर्म टाइप की फिल्म है तो हमें वहाँ शूट करना ही था,
और कुछ चीज़ बॉम्बे टाइप का भी है, तो इसलिए हम वो जो बॉम्बे वाला मैटर है वो हम यहाँ शूट कर रहे हैं। हमारे दर्शक इस फिल्म को कब तक देख पाएंगे? हम दुर्गा पूजा में श्योर आ रहे हैं। और इस फिल्म का निर्माण किसने किया है? इस फिल्म के निर्माण किए हैं हमारे माने नरेश प्रजापति जी हैं, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, वो हैं आर जे गुप्ता जी हैं, जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। किस तरह के कॉमेडी एक्शन रोमांस क्या? ये फुली ड्रामा फिल्म है, हर चीज़ मिलेगा आपको, एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मतलब एक मेलोडी टाइप का मैटर भी मिलेगा। चिंटू है तो एक्शन पैकेज तो रहता ही है, भोजपुरी में दिक्कत ही नहीं है, और कमाल का म्यूजिकल फिल्म है। आपने नई लड़कियों को हीरोइन में चुना है, क्या कारण है? नहीं, नई हीरोइन कहने के लिए है, वो एक्ट्रेस कमाल की है, और हमने एक एक्ट्रेस को मैंने लीड एज अ लीड दिया है, नई हीरोइन को नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, बाकी फिल्मों से कितना अलग है ये मूवी? अच्छा, बाकी फिल्मों से ये कितना अलग है आपकी ये मूवी? देखिए, इस मूवी का जो मेन चीज़ है, मैंने पहले ही बताया कि पूरी फिल्म जो है हमारी एक गुजरात प्लेटफॉर्म पे है। एक हमारा बिहार का लड़का है, गुजरात में काम करने जाता है, तो ये बिहारी, यूपी बिहारी और गुजराती जो वर्सेस वाला मैटर है ना, बहुत अच्छे से दिखाया गया है इससे। और कौन सी फिल्म अभी रिलीज हो रही है? अभी एक फिल्म रिलीज हो रही है, शादी करके फंस गया यार, और बेहतरीन फिल्म वो भी बनी है। नहीं नहीं नहीं, हम शादी करके फंसे हैं कि नहीं, इसके लिए देखना पड़ेगा पिक्चर। शादी करके फंस गया है? नहीं, रियल लाइफ में तो नहीं फंसे हैं, लेकिन रियल लाइफ में फंसे हुए हैं। थैंक यू। अच्छा, पहली बार चिंटू जी के साथ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? भाई, चिंटू तो कमाल का एक्टर है, और मेन चीज़ क्या है ना, बहुत अच्छे से मिक्सअप होता है वो, तो इतने अच्छे से मिक्सअप होता है, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म का। एक भाई की तरह, दोस्त की तरह, कहते ना कि बहुत इतना अच्छा से इन्वॉल्व होता है लड़का फिल्म में, और कमाल का अंडरस्टैंडिंग उस बंदे को है फिल्म को लेकर के, और हमें भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है साथ में काम करके। थैंक यू वेरी मच। फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं, एकदम अच्छा है। आज कोर्ट का शूटिंग है, और जो है बॉम्बे में करना था कोर्ट का, वहाँ पे इतना अच्छा फिल्म का माई रे हमारा वह लड़की चाहिए। आर्टिस्ट इसमें है चिंटू पांडे और प्रीति ध्यानी, उसके बाद में राजू सिंह माही, सुशील सिंह, मनोज टाइगर, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं आर्टिस्ट में। अभी सबका नाम निर्देशन इसमें जो है अजय झा कर रहे हैं, वो जो कि बहुत अच्छे हैं, 15-20 से उन्होंने फिल्में कर चुके हैं। हमारा बहुत अच्छा लग रहा है हमें पहला फिल्म करके, जो कि हमने लाइफ में जो अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे पार्टनर हैं नरेश प्रजापति जी, जो कि हम लोग गोरखपुर से हैं, वहाँ पे हम लोग गांव के ही हैं सब लोग, दोनों जन अच्छे मित्र हैं हमारे, और हम दोनों जन ने फैसला किया कि बहुत खुशी है हमें भोजपुरी फिल्म बना करके, कि जो है हमने जो है रियल लाइफ में हम लोग सोच रहे थे करने के लिए, वो हम लोग ने कर दिया है, हम लोग ने बहुत अच्छे खुशी है हम लोग ने कर दिया। Thank you.
अरे जैसा प्लेयर अब इस तरह की बिल्कुल कॉपी है कि केस भी गलत है और इस केस को अदालत फर्जी केस घोषित कर गैर मौजूदगी के कारण अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये केस भी फर्जी है, इसलिए अदालत इस केस को यही समाप्त करे। एक मिनट रुक जाइए जैसा अरे बात सुनने के बाद अदालत है
आपको बैठ जाइए नीचे वाले। कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ।